तो इंशाल्लाह जी इसमें कोई हर्ज और कोई आबाद नहीं है। इसी सवाल के अक्सर लोगों को देखा है जिसके वालिद या वालदा की मौत हार्ट अटैक या अचानक होती है, वो कहते हैं बहुत नेक थे, अल्लाह ने एक ही झटके में उठा लिया, जबकि जो बीमार होकर मरता है उसे कहते हैं कि वो भुगत रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और मर रहा है, इसकी क्या हकीकत है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, अचानक आने वाली मौत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अचानक आने वाली मौत, वजह अचानक आने वाली मौत में इंसान को तौबा का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब बीमार और अलील होता है, इल होता है, डिसीज्ड हो जाता है और फिर काफ़ी मरहले तक दवा और उसके इलाज चलता है जिसमें वो अपने रब से करीब होता है, बीमार इंसान ज़्यादा करीब होता है स्पिरिचुअलिटी से, धार्मिकता से, दीनदारी से, तो लिहाजा वो दीन से करीब होता है, सदक़ात खैरात करता है, तौबा करता है, इस्तग़फार करता है, तो जाहिर सी बात है उसको मौका तौबा का मिलता है। और अगर लंबी बीमारी से अल्लाह ताला चाहे तो उसके यकीनन गुनाह भी झड़ाता है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कहा, मोमिन को अल्लाह आजमाता है माल में, जान में, सेहत में, हत्ता कि जब अपने रब से क़यामत दिन मिलेगा उसके सर पे कोई गुनाह बाकी नहीं रहता है। तो पता चला ये बीमारी भी सबब होंगी, लेकिन ये कहना कि अचानक चले गए तो बहुत अच्छे थे इसलिए चले गए, नहीं, अल्लाह के रसूल ने तो पनाह मांगी। लेकिन अब सवाल ये, क्या जिनको हार्ट अटैक आया क्या वो बुरे लोग थे? बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा तो ये है कि इंसान को मौका मिले तौबा का, लेकिन अल्लाह जिसको जैसे चाहता है वैसी मौत देता है, अलग बात है, उससे कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। इसलिए कि बहुत सारे सहाबा को बहुत तकलीफ देकर मारा गया, शहीद किया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बुरे थे बच्चे, इसका मतलब ये अल्लाह उनको इस तकलीफ का बदला देगा, या फिर उनसे खताएं और गुनाह हुई तो उसको इंशाल्लाह इस तकलीफ के बदले माफ़ कर देगा। तो लिहाजा ये मौका अल्लाह से हम दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अचानक आने वाली मौत ना दे, जो आप सबकी दुआ थी, ताकि हमें तौबा का मौका मिले, इस नीयत से तौबा का मौका मिले ज़्यादा बेहतर।